दोस्तों थोड़ी देर बाद मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम पर आमने सामने होने वाली है केकेआर और मुंबई इंडियंस की टीम। हैदराबाद टीम के खिलाफ हारने के बाद एक बढ़िया वापसी करना चाहेगी केकेआर, लेकिन केकेआर टीम का ट्रम्प कार्ड प्लेयर आमदे रसेल हो चुका है चोटिल, तो आज एक नए विदेशी प्लेयर केकेआर टीम से डेब्यू करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे बदलाव आज देखने को मिलेगा केकेआर टीम की प्लेइंग 11 में। मुंबई इंडियंस टीम के लिए एक बैड न्यूज है जो केकेआर टीम के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज होने वाला है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तक जरूर देखें। केकेआर टीम का डाई हार्ट फैन है और एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहता है, तो वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों हैदराबाद टीम के खिलाफ मैच में आंध्र असेल को गेंदबाजी करने भेजा गया था। फर्स्ट ओवर में ही 2 विकेट चटकाने के बाद उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुआ है। थोड़ा इंजरी प्रोन प्लेयर है, रिस्क फैक्टर हर साल देखने को मिलता है, तो आंध्र असेल को आज रेस्ट दिया जाएगा। उनके जगह कम से कम 2 नए विदेशी प्लेयर का डेब्यू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, असेल की बैकअप प्लेयर के बारे में बात करें तो वो है डेविड विसा। अगर केकेआर प्लेइंग 11 को लेकर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी तो बस आंध्र असेल की जगह डेविड विसा को खिलाएगी। लेकिन दोस्तों यही सही समय है ओपनर्स को बदलने का, जब आपके पास जेसन रॉय, लिटन दास जैसे विस्फोटक सलामी बल्लेबाज है, तब क्यों उनको प्लेइंग 11 से बाहर रखा जाए। गुरबाज के बदले लिटन दास जो विकेट कीपिंग करेंगे, आंध्र असेल के बदले जेसन रॉय और लॉकी फर्गुसन के बदले डेविड विसा को आज खिलाया जा सकता है। तो तब प्लेइंग 11 कुछ इस टाइप का बनेगा, ओपनिंग करेंगे जेसन रॉय और लिटन दास, उसके बाद नंबर 3 पर वेंकट अचार्या, नंबर 4 पर नीतीश राणा, नंबर 5 पर रिंकू सिंह, नंबर 6 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 7 पर डेविड विसा, नंबर 8 पर सुनील नरी, नंबर 9 पर उमेश यादव, नंबर 10 पर वैभव अरोरा, नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती। और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे हर मैच की तरह इस मैच में भी वेंकटेश अय्यर के बदले सुहास शर्मा को लाया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अपडेट के बारे में बात करें तो मुंबई टीम के लिए बैड न्यूज, आज भी मैच में शायद से नहीं खेल पाएंगे जोफ्रा अर्चर। लास्ट मैच में दिल्ली टीम के खिलाफ रिले मेरेडिथ और जेसन बैरन ड्रॉप को देखने को मिला था, आज भी उन दोनों को ही देखने को मिलेगा। तो ये केकेआर टीम के लिए काफी बड़ा एक गुड न्यूज है। मुंबई इंडियंस टीम में ना ही जसप्रीत बुमराह है ना ही जोफ्रा अर्चर, यही बढ़िया मौका है एमआई टीम को वानखेड़े स्टेडियम में हराकर 2 पॉइंट हासिल करने का। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हरा पाएगी एमआई टीम को केकेआर की टीम, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।